बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैं मुहर्रम स्पेशल छोले चावल बना रही हूँ। तो ये मैंने दो प्याज़ें लेके मीडियम और उन्हें काट लिया, और उसके बाद ये मैंने बड़ी इलायची और ये तेज़पात, ये खड़े मसाले डाल दिए, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सब चीज़ें डाल दी और ये भंगार कर लें। एक एक चीज़ अलग अलग करो ना तो वो क्या कहते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। बस अब ये मैं बना दिखा रही हूँ। और ये मैं ना जीरा डाल दो चमचे, मैंने जीरा डाल दिया। अब ये प्याज का वो हो जाए भंगार, तो मैं ये देखें टमाटर, पांच टमाटर हैं, चार छः मिर्चें हैं, मैंने दो दो इसे करके ना ये इसमें डालना है जब ये ब्राउन हो जाएगी तो। और इतने में आप ये देख रहे हैं, देखते देखते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलें और मेरी वीडियो ताकि आप तक पहुँचती रहे हमेशा इसी तरह, और आप देखें और बनाते रहें, पूरी तवज्जो से देखा करें वीडियो को ताकि कोई कमी ना रहे आपके खाने, बल्कि मुझसे भी आप अच्छे बना सकें। ये देखें, बस मैं अभी इसके बाद ये भून के मसाला फिर छोले डालूँगी, वो आपको साथ ही साथ दिखाते रहेंगे। ये देखिए ब्राउन प्याज हो रही है, ये बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा से भी आप सफ़ेद रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट ही, उसमें चावलों में अलग से अजीब से आती रह जाएगी। ये मसाले दो बिरयानी मसाले, ये दो हल्दी के चमचे, डेढ़ चमचे किसी मिर्च, नमक है और ये लहसुन अदरक है, तीन चमचे चार। ये देखिए जी, मैंने अब डाल दिए छोले, टमाटर और हरी मिर्चें हो गई थी, तो मसाला भी भून गया साथ के साथ और भूनता रहेगा। ये देखिए कुछ टमाटर नरम पड़ गए, कुछ अब पड़ जाएंगे छोलों के साथ, छोले बिल्कुल गले हुए, और ये छोलों का पुलाव है। तो ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाला है, क्योंकि इसके मसाले जो मैंने डाले हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ये खूब इसमें मसाला हो जाएगा छोलों में मिक्स, तो ये उसके साथ मज़ेदार मसाले वाली बिरयानी बनेगी। फिर अभी मैं ये चावल डाल के पानी डाल दूँगी इसमें। हमें अब ये एक किलो चावल मैं डाल रही हूँ जो मैंने भिगो दिए थे 20 मिनट तक। अब मैं इसको ना ये डाल रही हूँ, ये आधा किलो छोले हैं मेरे और एक किलो मैंने इसमें चावल डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छे वाले चावल हैं, मोगल के चावल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मशहूर हैं, आप लोगों को भी पता होगा। अब मैं बस इसमें पानी डाल दूँगी और ये 10 से 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मतलब तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स कर लूँ अभी मैं। ये देखें कितनी अच्छी ऐसी लुक आ रही है। तो बस आपने ये ज़रूर करना है कि मेरे देखना भी इसको तवज्जो से, और लाइक और शेयर भी करना है। थोड़ा सा चावलों से ऊपर होना चाहिए, दो तीन उंगल पानी, बहुत ज़्यादा से वो नरम बन जाती है। इससे मुझे ऊपर करना है थोड़ा सा पानी ना, ताकि सब कुछ चावल गल के सही होके दम हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं देने। मैंने एक बोतल डाली है भर के ना, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी दम होके बहुत अच्छे हो गए छोला पुलाव। ये देखो माशाल्लाह कितने अच्छे बने हुए, अलग अलग छोले, ये माशाल्लाह ना कोई कोई चीज़ की कमी है ना कोई ज्यादती, और मज़े के भी बे इंतहा बने ही। ये देखो कितने अच्छे बने हुए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बिरयानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे, आपके टाइम में बरकत दे, आप सब लोग हमेशा खुश और खुर्रम रहें। अल्लाह हाफिज़।